ललित कला एकेडमी में लगे चित्रकारी और विभिन्न मूर्तियों को की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो निश्चित ही लोगों को काफी प्रभावित कर रही है। जो कलाकार हैं उनसे हम बात करेंगे। वैसे कोलकाता की बात कर रहे हैं तो यहाँ की विरासत काफी समृद्ध है और उसके कला का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है, चाहे नृत्य हो, साहित्य हो या इसके अलावा ये कलाकृति हो, लोगों को काफी प्रभावित कर रही है और करते आ रही है। हम बात करेंगे जो कलाकार हैं यहाँ पर उनसे, पायल जुड़ी हैं और भी उनकी सहयोगी जुड़ी हैं। बताइए जरा इसके बारे में। देखिए कोलकाता की जो पहचान है विक्टोरिया मेमोरियल है, इसके अलावा वहाँ की यातायात व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए क्या संदेश देना चाह रहा है ये पेंटिंग। मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, ये काफी नॉस्टैल्जिया है इस सिटी में, हर गली गली में आपको इमोशंस मिलेंगे। हाँ अच्छा, ये इमोशन को दर्शा रहा है। इसके अलावा अगर और भी पेंटिंग की बात करें तो और भी पेंटिंग को दिखा गया। देखिए चिराग जी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कोलकाता की पूरी जो बातें हैं उसको दर्शाया गया है और अलग इसमें क्या कुछ है? एक तो बात है कि सारे ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है, सारे पुराने बिल्डिंग्स जो है उसको मैंने पेंटिंग में दर्शाया है। वो पुराने जमाने से भी डियोलो टैक्सी जो है वो तब भी था, अब भी है प्रेजेंस है इसकी, और इसका तो कलर पैलेट मेरा खुद का चॉइस है। अच्छा, अब खुद से तैयार किया गया है, इसमें किन किन चीजों का प्रयोग किया गया है, किन किन इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, कि एकदम आपने खुद से तैयार किया है, मदद किस किस चीजों के लिए है? मदद तो मतलब थोड़ा बहुत फोटोग्राफिक रेफरेंस तो लगता ही है, बाकी मैंने सड़कों पे ऐसे ही घूम घूम के देखा है, हर एक गली हर एक बिल्डिंग्स को मैंने खुद जाके देखा है कि ये सच में ऐसा ही दिखता है। जो फील अगर ना आए अंदर से आपको तो पेंटिंग वैसे नहीं बनेगा, वो बस एक आर्किटेक्चरल स्केच बनेगा। हाँ ये बातें हैं कि जब तक आप उसको समझ कर अनुभव करके नहीं दर्शाएंगे तब तक वो पूरी तरीके से वास्तविक रूप में नहीं होगा। आप भी बताइए कि ये पेंटिंग है ना, ये क्या कुछ संदेश देना चाह रहा है जी, बताइए। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। ये हम लोग हैं सात जन, कोलकाता से हैं हम लोग। हम लोग का सभी का पेंटिंग है, सब अलग अलग पेंटिंग है, अलग अलग स्टाइल है। ये उत्तम जी का पेंटिंग है, उधर देवव्रत का। जैसे ये है हम लोगों का जो है ना फैमिली ट्री, जैसे देखिए ये है कि फैमिलीज है, फैमिलीज तो नदी जैसे बहते हैं। देखिए एक फैमिली ट्री ट्री है, ये हाथ है हम लोगों का, एक एक फैमिली जो फैमिली है सभी। देखिए अब फैमिली में बर्डनिंग कम होते जा रहे हैं ना, हाथ बिछड़ते जा रहे हैं, वही है। अच्छा, उसको दर्शाया है। हाथ बिछड़ते, हर एक फ्रेम है, देखिए हर एक फ्रेम में हम लोगों का फैमिली वैल्यूएशन जो है मूवमेंट्स कैप्चर्ड रहता है, जैसे फोटो एल्बम में रहते हैं। लेकिन किसके साथ आपका है ना रिलेशन, सबके साथ अच्छा है क्या? नहीं आज के समय, लेकिन पहले था। हाँ। दादाजी के जमाने में जब हम लोग का वैल्यूएशन, हम लोग का कल्चर, देखिए हम लोग तो कोलकाता से ना है ना, हम लोग का कल्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल कोलकाता। हाँ, तो ये वैल्यूएशन ही मेरे पेंटिंग का मेन जो सब्जेक्ट है, हर एक जगह में, यानी सेंटीमेंट्स को पूरी तरह से आप लोगों ने तस्वीरों में एकदम। मेरे पेंटिंग जो है, मेरे जो वैल्यूएशन मेरे दादाजी ने, मेरे नानी सबसे मुझे मिला है, वो पेंटिंग हम मेरे पेंटिंग में दिखाते हैं। ये जो पेंटिंग है ये एनवायरमेंट लेके है, ये देखिए, ये जो एक दिख रहा है ना एक फीमेल बॉडी, ये माँ है, हम लोग का शहर है, गाँव है। लेकिन ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा सब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, कैंसर के डर फैले हुए हैं। अब दिल्ली में भी देखोगे गंदगी ज्यादा है, गंदगी कर रहे हैं हम, यानी पर्यावरण के साथ साथ भविष्य की रूपरेखा को। हाँ, इसीलिए हम लिखे हैं पॉइंटलेस प्रोग्रेस, इस पेंटिंग का नाम है पॉइंटलेस प्रोग्रेस। पॉइंटलेस प्रोग्रेस, हाँ प्रोसेस जी, यही तो चल रहा है। अच्छा, तो सात दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी। हाँ, ये प्रदर्शनी संडे तक है, आप लोग आइए। हम लोग है बंगाल से, हम लोग ये गैलरी नंबर 7 कला क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो सदियों से हिंदुस्तान ने क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया है और दुनिया हिंदुस्तान को एक अलग रूप में भी जानती है, और कारण यही है कि एक अद्भुत प्रस्तुति हमें देखने को मिलती है। आयोजन हो या विभिन्न स्थल हो, वहां पर जिस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है लोग काफी प्रभावित होते हैं। हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली के मंडी हाउस स्थित एक ऐसे प्रदर्शनी में है जहां पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारियों को, मूर्तियों को रखा गया है जिसे लोग देखकर काफी आकर्षित हो रहे हैं। कृष्ण मुरारी जी हैं जो कलाकार हैं हमारे साथ जुड़े, हम उनसे जानेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में। कृष्ण जी ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर आज खास है? खास तो विभिन्न रूप से रंग बिरंग जो पेंटिंग्स है जी माहौल में हमारे को देखने को मिल रहा है, और कुछ कलाकारों की छवि भी हम लोग देख रहे हैं विभिन्न रूप से। ठीक है, खास कर प्रदर्शनी में मुझे महसूस हो रहा है
कि जो प्रकृति का हम लोगों के लिए अनुदान है उसको हम लोगों ने पेंटिंग्स में समावेश करके हाँ प्रकाशित करने का और दर्शकों को दिखाने के लिए हाँ चेष्टा की। आज की प्रदर्शनी में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने सामाजिक चिंतन, भविष्य की रूपरेखा, राष्ट्रीयता, इसके अलावा जिस के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, जैसे कृषि क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो और हमारी सनातन संस्कृति की विरासत हो, सभी चीजों का आप लोगों ने उल्लेख किया है। और क्या कुछ इसका उद्देश्य रहेगा, संदेश क्या कुछ समझते हैं? जी हम लोग तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें पर्यावरण को भी लेके मैंने सम्मिलित किया, जो कि हम लोग कुछ देखिए पशु पक्षी जीव जितने भी हमारे आसपास मौजूद हैं हम उनके साथ इतने संवेदनशील हैं, उनके साथ हमारा जो संबंध है उसको हमने जोड़ के देखा है, हम उसे बहुत भावुक होते हैं क्योंकि उनका महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, उनका योगदान भी हमारे जीवन में है, हम उनके बगैर कुछ नहीं, हमारा अस्तित्व में जहाँ तक संस्थाओं के बगैर हम कुछ नहीं। सर लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है, जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए यहाँ जो कलाकर्मी है बहुत से आते हैं और मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ वो आकर्षित हो रहे हैं और सबका जो प्रदर्शनी लगी है उनकी ओर काफ़ी प्रशंसा मिली है। 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक यह प्रदर्शनी चलेगी, समापन यानी 20 नवंबर को होगा और तब तक के लिए क्या कुछ एक रखा गया है कि अब इसको और भी किस तरीके से व्यापक किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा? यहाँ तक हम लोगों का 20 नवंबर तक प्रदर्शनी समाप्त होती है, इसके आगे अपने अपने कलाकारों का जो रोल रहेगा वो व्यापक रूप से कहाँ क्या करेंगे मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है मैं इसको अपने इस दिल्ली के अलावा और भी दूसरे स्टेट में भी लेकर जाऊँगा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो चिराग जी आप यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कितने खूबसूरती के साथ इसको दर्शाया गया है, जिसका बहुत उद्देश्य भी है प्रकृति हो, इसके अलावा जिस कृषि क्षेत्र के लिए भारत जाना जाता है, सनातन संस्कृति की परंपरा हो और अनेक प्रकार के जिस विरासत को हिंदुस्तान ने सजोया है उसको इन प्रदर्शनी में बड़े ही खूबसूरती के साथ संजोया गया है, दर्शाया गया है। मूर्तियों की भी बात करें तो मूर्तियों को भी यहाँ पर रखा गया, जिसमें विभिन्न योद्धाएं हों, हिंदू देवी देवता हों, उनको उनकी चित्रकारी का यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिल रहा है और निश्चित ही जो दर्शक जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो देखकर इसे काफी उत्साहित हो रहे हैं।